थैंक यू फॉर द क्लारिफिकेशन आपकी ग्राई है नेबर हैं फिर दुआ सावान आपने एक्सेप्ट किया आपने request की थी कि आपकी जो हेरिंग है उसकी डेट्स एक्सपेडाइट की जाए जल्दी लगाई जाए इन्फ्लुएंस की कोई बात नहीं थी इन अ वे इज इन दिस थिंक सो जब आप खेलना चाहते हैं एंड यू थिंक कि आप मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं तो आई डोंट थिंक सो अच्छा मूविंग ऑन स्पॉट फिक्सिंग मैच फिक्सिंग एसेट्रा एक्सेट्रा एट्सेट्रा ठीक है वंस अगेन दिस नॉट इन अ पर्सनल कैपेसिटी दिस क्वेश्चन इज इन अ ब्रॉडर कैपेसिटी यार मुझे आप ये बताएं कि दूसरे मुल्क के लोग स्टिंग ऑपरेशन करते हैं टैबलॉय्स रिपोर्टर्स वो बटन वाले कैमरे पहन के वो कॉलर वाले माइक लगा के जो भी है ठीक है हमें एक्सपोज करते हैं हमारा कप्तान जेल जाता है हमारा प्रोटेजी जेल जाता है हमारा स्पेयर हेड जेल जाता है मुल्क की मंथ्स ऑन एंड मंथ्स ऑन एंड से ये बेजती होती है पूरी दुनिया में अगर जरा सी खुदारी मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है अगर जरा सी खुदारी दिखाएं हमारे लड़के ठीक है और खुद से अंदर से या प्रेशराइज करें दूसरों को या एक्सपोज करें कि यार ये हो रहा है बेहतर नहीं होगा बेजती तो होगी लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट बेजती होगी मगर इससे तो बेहतर है ना कि स्काई स्पोर्ट्स पे और पे और और न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड ये पूरी दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स ने जो हमारे साथ किया है क्या ख्याल है आई थिंक इस पे मैं एग्जैक्टली exactly कोई आंसर नहीं दे सकता क्योंकि मेरे रिलेटेड ये चीज नहीं है नहीं, नहीं, क्योंकि मैं, मैं मैं देखिए मैं आपको एक बात बताऊं मैं क्रिकेट खेल रहा हूं मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता तो, इसलिए मैं इस पर कोई जवाब नहीं दे सकता

ऐसी बात होती ही नहीं है यार for God's sake. आ, इतना इतना है? 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 क्या hidden है? इतना hidden होता देखिए मैं नहीं मानता इन चीजों को कभी मेरे अराउंड हुई नहीं सुनने में आया देखने में आया कुछ नहीं कभी ऐसा नहीं। रूमर्स क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जब भी ऐसी कोई चीज हो हम फौरन जो आईसीसी की वो एंटी करप्शन की टीम है उनको इन्फॉर्म करें हमारी ये रिस्पांसिबिलिटी है और अगर कभी भी कुछ ऐसा हुआ होता मैं फोरन उनको इन्फॉर्म करता या मुझे किसी चीज का पता होता या अगर कभी इन फ्यूचर भी होगा सो आई विल डू द फर्स्ट थिंग टू कॉल देम एंड उनको बताऊँ डू यू थिंक अदर सीनियर प्लेयर्स राइट नाउ आर होल्डिंग थिंक सोट सो आई डों ने मलिक स्लैम एंड कोच

एजाज बट इंटरेस्टिंग किस्म के आदमी थे ज़रा से डिक्टोरियल थे ज़रा से विमजिकल थे उन पर बात नहीं हो रही आ, बात हो रही है इस कहानी पर हाला कि हालांकि पाँच छः लड़के इन्वॉल्व थे एक लड़के का नाम जिसका नाम गालबा आप जानते होंगे शुयब मलिक बार बार आया है वीडियो एक रिलीज़ हुई थी उस वीडियो में भी तनकीद हुई थी शुब मलिक इज़ द रूट ऑफ ऑल पॉलिटिक्स इन द टीम हालांकि बाकी लड़कों को भी गालियां पड़ी थी बट आ, जरा सा एक्सप्लेनेशन वुड बी गुड। आई थिंक इस पे आ, जैसे मैं डेढ़ साल टीम से बाहर रहा हूँ तो वही आंसर है कुछ लोग आपको पसंद करते हैं कुछ नहीं करते अगर मैं इतना ही तेज होता या मेरे पॉलिटिकल मैं इन्फ्लुंस के साथ टीम में आता हूँ या कुछ ऐसी चीज होती तो मैं क्यों अभी स्ट्रगल कर रहा होता <laughs> देखिये मैं कैप्टन ना टू में बनना चाहता था ना आज बनना चाहता हूँ जिसको अगर मुझे कैप्टन बनने का शौक़ होता या है तो मैं ऐसी चीज़ें करता मैं ऑन ईयर बैठ के बोल रहा हूँ मुझे कोई शौक नहीं है मुझे सिर्फ पाकिस्तान टीम से खेलना है चाहे कोई भी कैप्टन हो चाहे कुछ भी हो मुझे बस पाकिस्तान टीम से खेलना है अच्छा परफॉर्म करना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है अच्छा हे इज़ थिंग वर्क विद मी हेल्प मी आउट ठीक है ये टीम में नहीं है बंदा ये जो रिपोर्टर है से ये इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में स्टॉक नहीं लिए हुए शायद लिए हुए आई डोंट नो बट दिस इज़ प्रीटी गुड रिपोर्ट को काफ़ी डिफरेंट किस्म के ओपिनियंस हैं जो रिपोर्ट का बेसिस होता है फॉर्म पाकिस्तान कैप्टन मलिक इज मलिकट देंटर ऑफ दिस कंट्रोवर्सी, एक बाई टीम एंड कोचिज एंड कोच

आपने खुद ही बोल दिया लेकिन मैं देखें, मेरा यकीन एक ही चीज पर मेरा यकीन ये है कि जो अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलेगा मेरा नसीब कोई दुनिया का बंदा नहीं रोक सकता इसीलिए मैं मेरे पास है बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूं एक्सपोज लेकिन मैं इन चीजों पे यकीन नहीं रखता मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूं मैं इन चीजों पर यकीन रखता हूं कि ग्राउंड इज द बेस्ट थिंग एंड दैट्स आई एम डूइंग आपके कोच

और दूसरी जगह पे ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने डिलीबरेटली जो है बैटिंग एट नंबर थ्री से मना किया आई हैव बीन टोल्ड फ्रॉम द टीम मैनेजमेंट कि आप ऑस्ट्रेलिया में वन डेज में नंबर थ्री खेलेंगे आई हैव बीन टोल्ड इन न्यूजीलैंड मैंने प्रैक्टिस करता रहा उसके बाद जब वन डे स्टार्ट हुए मुझे छः सात पे भेजा गया और एक मैच के बाद मुझे बाहर कर दिया गया अब मैं आपको एक बात मैं डिटेल में बहुत सारे जवाब दे सकता हूँ लेकिन मैं नहीं देना चाहता मेरा मुझे मेरा अंदर वाला इंसान मुझे मुझे तख्ते देखिए तख्ते ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में किसी के हाथ में नहीं है तख्ते पलटना अल्लाह ताला के हाथ में मैं उन चीज़ों पे नहीं यकीन रखता कि मैं आपको मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ मैं बहुत बातें कर सकता हूँ लेकिन मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं रखता ठीक है आ, ब्रेक ले रहा हूँ ब्रेक के बाद एक दोस्त है आपके, आ, हैं आपके फॉर्मर टीम मेट साथ में शुएब अख्तर नाम है किताब एक लिखी है काफ़ी मोटी खुद नहीं लिखी साथ भी किसी से लिखवाई है आपके बारे में वो किताब क्या कहती है इख्तलाफ में हमारे साथ रही